क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो दोस्तों, हाल चाल तो बढ़िया रहना चाहिए, है ना? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, तो भाई मेरे हाल चाल अच्छे हैं। और आज आप हेमा जी को एक अलग रूप में देख रहे हैं। तो दोस्तों, हैरान होने वाली बात नहीं है, ये काम मैं डेली करती हूँ, लेकिन आज दिखा पहली बार रही हूँ। तो भाई हेमा जी जो है रोटी भी बहुत अच्छी बनाती है, आप देख सकते हैं रोटी एकदम गोल है। तो भाई तो नहीं, मैं रोटी नहीं बना रही, मैं पराठे बना रही हूँ। लेकिन पराठे बना रही हूँ किस खुशी में, है ना भाई? आज मेरे घर पे बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, जिनका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो आप देखिएगा वीडियो में। तो भाई मैं पराठे जो है देसी घी के खाने पसंद करती हूँ, और खिलाने भी पसंद करती हूँ देसी घी के, क्योंकि जब आप घी के साथ घी से पराठे बनाते हैं तो पराठों में स्वाद कुछ और आता है, और चर्बी जो होती है, जो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं जिसको, वो बढ़ने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो भाई नाम के साथ जी और रोटी पे घी अगर लग जाए तो बात कुछ और ही हो जाती है, है ना? तो भाई अगर आप लोगों का खाने का मन कर रहा हो कि आज तो हेमा जी ने कमाल कर दिया, तो भाई आ जाइए, क्योंकि आप लोग आएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। और मुझे प्यार से खिलाना बहुत पसंद है। मैंने सब्जी बनाई है, चने की सब्जी है, पालक की सब्जी है, बहुत ही स्पेशल आज गेस्ट आ रहे हैं। 2 साल बाद मैं आज उनको मिल रही हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिलके। और उनके लिए मैं कुछ स्पेशल गिफ्ट भी लेकर आई हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए, मेरे फॉलोवर सब्सक्राइबर हमेशा बोलते रहते हैं हेमा जी आप घर में काम नहीं करती हैं क्या, तो भाई यही हेमा जी हैं जो इस वक्त पराठे बना रही हूँ, और एवरीडे बनाती हूँ, कोई और बना के मुझे खिला के नहीं जाता है, ठीक है? और ना ही मैं काम चोर हूँ। तो वीडियो बनाने के अलावा भी मैं बहुत सारे काम करती हूँ जो मैं कैमरे पे कम दिखाती हूँ। देखिए भाई, आपकी हेमा रहती है अकेली, ठीक है? अब क्या क्या दिखाए, अब यही मैं आज चाय बना रही हूँ तो वीडियो बनाऊँ, खाना बना रही तो वीडियो बनाऊँ, नहा के निकली हूँ तो वीडियो बनाऊँ। अरे नहीं भाई, ये सब मुझसे नहीं होता। मुझे लगता है मैं पब्लिक को मुद्दे की बात बोलूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा है। तो भाई एक तो मैं अपने बेटे के साथ, एकांश के साथ अकेली हूँ। मैं आप लोगों को गिफ्ट दिखा देती हूँ पहले, है ना, वीडियो खत्म होने से पहले। तो भाई एक तो मैं अकेली हूँ एकांश के साथ, आप लोगों को पता है ना, गौरव है ना, यश है, तो समझ रहे आप? तो बहुत सारे काम हैं ऐसे जो मैं करना चाहती हूँ लेकिन हो नहीं पा रहे हैं मेरे से, वो पहले मैं बताऊंगी क्या है। फैन बंद कर देती हूँ मैं, फैन बंद इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि फिर आवाज की क्वालिटी चली जाएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी लाइट वाइटिंग अच्छी आ रही हो। ये मैं वीडियो अचानक से बनाते बनाते बन रही है। तो ये जो है, ये उनके लिए जो मेहमान आ रही हैं उनके लिए मैं चूड़ीदार लेके आई हूँ। अब देखिए मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्योंकि जो आप किसी को देते हैं वो अच्छा नहीं लगता ना दिखाना। बस मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं बड़े प्यार से उनके लिए लेके आई हूँ देने के लिए, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। तो भाई मेरा स्ट्रगल जो है वो किसी को नहीं दिखता है, ऐसा स्ट्रगल है इमोशनली। भाई बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, अच्छे से नहाना भी चाहती हूँ, खाना भी चाहती हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है दोस्तों। अच्छी वीडियो भी बनाना चाहती हूँ लेकिन वो भी नहीं बन पा रही है। आप लोगों को बताऊँ, 3 दिन से एक डायरेक्टर से मिलना चाहती हूँ, डेली ऑफिस से फोन आता है, वो भी नहीं मिल पा रही हूँ। सलून जाना चाहती हूँ, अच्छे सा फेशियल कराना चाहती हूँ, वो भी नहीं कर पा रही हूँ। और भी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें हैं जो करना चाह रही हूँ लेकिन कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ। लेकिन वो समय का इंतजार कर रही हूँ जिसमें मैं सब कुछ करूंगी, और मैं अभी भी सब कुछ करूंगी। ये हेमा ठहरने वालों में से नहीं है, हालात सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, ये हेमा रुकने वालों में से नहीं है। तो भाई ये हाथ प्रूफ है कि मेहमान जो आ रहे हैं उन्हीं के लिए अपने हाथों से मैं खाना बना रही हूँ। और अगर भाई मैं सोच रही हूँ आगे एक पराठे की दुकान खोलूंगी, वायरल भाभी हेमा के पराठे, आइए और खाइए और खुश होके जाइए। आलू का पराठा, गोभी का पराठा, तो भैया आइडिया तो अच्छा है, आपसे बात करते करते मुझे आइडिया आया है। अपने YouTube चैनल के लिए मैं बहुत सीरियसली काम कर रही हूँ, जैसी वीडियो बनाना चाहती हूँ वैसी बन नहीं रही है, बट हालांकि कोशिश में लगी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी आप लोगों तक एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल वीडियो मेरी आनी शुरू हो जाएंगी, शायद 2-3 दिन के बाद।
तो भाई बस अब क्या करूं, मेरा पराठा जल जाएगा भाई आप लोगों के चक्कर में, इसलिए बोलते हैं मैं हेमा जो है बिल्कुल सीरियसली। अरे चलो शुक्र है भाई, शुक्र है मैंने गैस बंद कर दी थी दोस्तों, ये देखा इतनी भी पागल नहीं हूं मैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ वो मेहमान के साथ ही, और उनके साथ मेरी कैसी बातचीत रही, कैसी बातचीत रही, क्या हिसाब किताब रहा, क्या उन्होंने मुझे प्यार दिया, वो आप उस वीडियो में देख के बताइएगा मुझे। तो भाई दोस्तों मेरे हाथ के पराठे खा लीजिए प्लीज आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली ये प्लेट लगाई है, जो मेहमान है वो तो अभी आए नहीं है, और एकांश भाई साहब रो रहे हैं, तो दोस्तों एकांश को भी आप प्यार दीजिए, और साथ ही साथ ये हेमा के, जो आपकी हेमा जो है जिसको आप इतना प्यार करते हैं, और मैंने कटहल की सब्जी बनाई है बाय द वे, जिसको बनाना बड़ा इम्पॉसिबल होता है, जो बड़ा जैसे इसका नाम है ना कटहल, वैसे इसको बनाना ही बड़ा कठिन होता है दोस्तों, लेकिन खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। तो जिन जिन लोगों को कटहल पसंद है प्लीज आप आइए और खाइए। दाल अभी बन रही है बाय द वे, दाल और भिंडी जो है वो बन रही है, तो मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा ना आप आ रहे हैं ना मेहमान आ रहे हैं, तो मैं ही थोड़ा सा खा लेती हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो बता देती हूँ। वाह वाह क्या बात है, वाह 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 क्या बात है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, मेरे पापा कहा करते थे कि घर में रोटी तो सिर्फ मोटी ही अच्छा बनाती है, मतलब मेरा नाम मोटी है पापा के हिसाब से, तो मेरे पापा को मेरे हाथ की रोटी बहुत पसंद हुआ करती थी, बोलते थे मोटी अगर रोटी बनाएगी तो मैं दो की जगह तीन खा जाऊंगा, तो आज मुझे मेरे पापा की याद आ रही है। तो दोस्तों कटहल बहुत बढ़िया बनाया और दाल भी जो है बहुत बढ़िया बनने वाली है, तो मैं आपसे फिर से कह रही हूँ दोस्तों आइए किसी दिन हम बैठ के साथ में खाना खाएंगे जल्दी से, और बाकी तो मेरी दाल तो नहीं जल जाएगी दोस्तों, मेरी दाल देखिए दोस्तों, कभी पराठा जल रहा है कभी दाल जल रही है, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, ये दाल रोटी में ये सब चल रहा है। और हाँ भाई दोस्तों क्या हाल चाल है, बढ़िया हमारा ख्याल है ना, इसी का ख्याल है ना, अब इसका ख्याल रखना बस और किसी का नहीं। तो दोस्तों आज मैं मिली हूँ दुलारी से, जिनका नाम है दुलारी रॉक्स, तो भाई ये जो है सब जानते हैं अनुपम खेर जी की मम्मी है, लेकिन उसके अलावा जो है ये बहुत कमाल की स्ट्रॉन्ग औरत है, और देखने में आप देखिए कितनी सुंदर है, और हमारा रिश्ता ये मुझे बहुत प्यार करती है, और आज हम दो से ढाई साल बाद मिले है ना, दो से ढाई साल बाद मिले हैं, और ये मुझे बहुत पसंद है, और इनको भी मैं थोड़ी बहुत पसंद, थोड़ी बहुत ये क्रॉस लगाना, थोड़ी बहुत नहीं बहुत है, तो मुझे आज इनसे मिलके जो शक्ति मिली, जो पावर एनर्जी मिली है, ये बोल रही है हेमा तू कैसी हो गई है कैसी हो गई है पहले जैसी बन, एकदम बढ़िया 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 सच है ना, वही ठीक है ये नहीं ठीक है, हाँ पहले वाली जल्दी बनूंगी अभी हेमा। और दोस्तों अगर हमारी जोड़ी बढ़िया लग रही हो एकदम चमकदार तो वही जो है वीडियो लाइक कर देना, और जो है ऐसे ही दुलारी रॉक्स को बहुत प्यार दीजिए, इनके लिए दुआएं कीजिए, इनके परिवार के लिए दुआएं कीजिए कि भैया ऐसे हमेशा मुस्कुराती रहे, है ना, भगवान खुश रखे, तुझे भी खुश रखे भगवान, सच्ची बात है, जो दूसरों को अच्छा चाहता है उसको अच्छा ही होता है, चलो मुझे छोड़ो बेटा, है ना, हाँ वो मिला तो वो चली गई हैं, और अब उनके जाने के बाद मुझे एहसास हो रहा है और ज्यादा फील हो रहा है कि वो जब थी तो बड़ा मुझे अपनापन लग रहा था, मेरी माँ ही समझिए, माँ जैसी नहीं माई जैसी, मतलब मेरी माई है, मुझे बेटी बोलती है वो, और वो देख के मुझे दो साल बाद बड़ी हैरान हो गई, उनका ये था कि हेमा तू कैसी हो गई, उनकी आंख जो है नम थी एक्चुअली, उनके मन में ऐसा था कि हाय मेरी हेमा कैसी हो गई दो साल बाद, क्या जिंदगी ने यू नो बदलाव लिया। तो बहुत खुश हूं मैं आज कि ये पहली बार मुंबई का जो घर है, पहली बार कोई यू नो एक अपना आदमी आया है और जिसने मुझे इतना प्यार दिया है, साथ में खाना खाया है, और जो है बस मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके घर पे कौन आता है वो मैटर नहीं करता, चाहे रिश्तेदार आए चाहे पड़ोसी आए चाहे इवन चाहे आपका दुश्मन भी आता है, तो जब भी आपके घर पे कोई भी आता है दोस्तों तो आप उसको बहुत रेस्पेक्ट दें, सम्मान करें उसका, उसको पानी जरूर पूछें, डजंट मैटर आप किस मूड में है, क्या आपका उसका रिलेशनशिप है। तो ये कहावत है ना जैसे हमारे हिंदू धर्म में स्पेशली कि अतिथि देवो भव, मतलब भगवान जो अपने गेस्ट होते हैं वो भगवान के बराबर, और ये सच है कि
मेहमान जो होते हैं वो किसी भाग्यशाली इंसान के घर पे आते हैं, हर किसी के घर पे भी नहीं आते हैं, है ना मेहमान। और कोई भी इंसान, आजकल हर इंसान बिजी अपनी अपनी जिंदगी में। मैं तो बात करूंगी कि आप लोग भी बिजी होंगे, आपके पास भी अपना सुबह से लेकर शाम तक जो है डेली लाइफ है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपना टाइम निकाल के किसी के घर पे जाते हैं तो वो इंसान कितना लकी है जिसके लिए आपने टाइम निकाला। तो दोस्तों कोई भी इंसान आपके घर पे आए, आप उसका कभी भी निरादर ना करें, हमेशा प्यार दे, रेस्पेक्ट दे। और ये भी नहीं, ये भी जरूरी नहीं कि आप उसको कितना 56 भोग खिलाते हैं, जो भी आप खिलाएं, सूखी रोटी खिलाएं, लेकिन प्यार से खिलाएं, ईमानदारी से खिलाएं और अपने भाव के साथ खिलाएं। जिस तरीके से हम भगवान को बोलते हैं ना कि भगवान मेरे पास सिर्फ इतना ही है, आप प्लीज इसे स्वीकार करें और मेरी प्रार्थना कबूल करें, तो उसी तरीके से जो मेहमान होता है वो वही भाव होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मैं जब कभी आपके घर आऊंगी तो मुझे प्यार से चाय पिला देना, मैं चाय की शौकीन हूँ। और बाकी तो जब आप मेरे घर पे आएंगे तो भाई जो आप लोग बोलेंगे वो खिलाएंगे, ऐसी बात नहीं है, हेमा शर्मा की बातों में बहुत दम है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, बात अच्छी लगी हो, मेरा पराठा देखने में अच्छा लगा हो, कटहल की सब्जी अच्छी लगी हो, या मेरी गुलाबी साड़ी अच्छी लगी हो, या वो वीडियो में जो दुलारी रॉक्स आई है वो अच्छी लगी हो, कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मिलना मुझे अगले वीडियो में जल्दी।